हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। क्या नाम है चाचा आपका? जायतू। ये बताइए चाचा, आप थाना सिकरारा क्यों आए हैं, क्या दिक्कत है और कितने बार थाना सिकरारा आए हैं? कम से कम सर 10-12 बार आए हैं। 10-12 बार। क्या दिक्कत है जो आप थाना सिकरारा आते हैं और आपकी कार्रवाई नहीं होती है, फिर आप चले जाते हैं? शायद पुराने पुश्तैनी का वादी है और हमारे हम दो भाई हैं। हाँ। और वो अपना पंचायत द्वारा बटवा के अपना बनवा लिए, हमारा बनाने जा रहा है तो रोक दे रहे हैं। किस ग्राम सभा के हैं आप? दुदौली क्षेत्र के। अच्छा, ये बताइए कौन रोक दे रहा है आपका? हमारा भाई भतीजा। अच्छा, तो भाई भतीजा रोक रहा, क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि हम बनाने नहीं देंगे यहाँ। तो प्रशासन वहाँ गई है? हाँ सर, प्रशासन 2-2 बार 3-3 बार गई थी। लेकिन आपका अभी तक वो समस्या समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी। और आप कई बार दौड़ रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन थाने पर से भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहें कि साहब हमारा न्याय होना चाहिए, बस न्याय। आप यही चाहते हैं जो हमारा न्याय है, न्याय होना चाहिए? अच्छा, आपकी तरफ से प्रधान है? हाँ प्रधान जी है। लेखपाल भी आपकी तरफ से है? लेखपाल भी है। उसके बाद जो लोग पंचायत है वो भी आपकी तरफ से हैं? हमारे तरफ सब है सर। मतलब जो आपका भाई है जबरदस्ती कर रहा है? जबरदस्ती कर रहे हैं। और थाना पाते हैं आप प्रार्थना पत्र दे के फिर चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं हो रही सर। और आते हैं जाते हैं ऐसे आप 10 बार कह चुके हम आए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। तो ग्राम सभा दुधौली के रहने वाले हैं आप? हाँ सर।